8000 से ज्यादा मतों से इस वक्त कुशेश्वर स्थान से जेडीयू के उम्मीदवार चल रहे हैं और तारापुर सीट से राजद के उम्मीदवार फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो तारापुर पर देखिए, तारापुर पे भी स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। पल पल समीर बदल रहे हैं समीकरण। पहले कोई आगे चल रहा था लेकिन ये मार्जिन इतना कम था, बिल्कुल आरजेडी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी पर प्रोफेसर नवल किशोर कुछ कह रहे थे। नवल किशोर जी, आपकी बात बीच में कट गई, जरा बताइए कि आखिर ये इस बार दो सीटों पर उपचुनाव, लेकिन ऐसा लग रहा है आर पार की जंग हो रही है। बिल्कुल, सबने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, ऐसा क्यों है? देखिए, एक तरफ एक ऐसी सरकार है जो किसी भी कीमत पे जनादेश का हरण करती है, किसी भी कीमत पे जनादेश का प्रबंधन करती है, जिसमें कि अपने भ्रष्ट मंत्रियों से लेकर भ्रष्ट अधिकारियों का उपयोग करती है, और ये आज नहीं पिछले चुनाव में भी देख चुके हैं बिहार की जनता और देश की जनता। तो हम उस व्यक्ति से और उस सरकार से लड़ रहे हैं जो भ्रष्टाचार और जनादेश चोरी के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, और एक तरफ एक नेता तेजस्वी यादव हैं जो कि बिहार की जनता की पहली पसंद है। आप देखेंगे कि उतना बेईमानी के बावजूद भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर राजद उभरी, और वैसे दल के नेता के रूप में तेजस्वी यादव। नहीं, मुझे नवल किशोर साहब, देखिए मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला, मैं सीधे सीधे पूछ लेता हूँ, क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना एक बार फिर से जिंदा हो गया क्या आप लोगों का? तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे इसमें कोई शक नहीं है, वो 2020 में भी बन गए थे। हाँ। लेकिन जब दूसरे तरफ एक चोर जनादेश चोरी के ऑर्गेनाइजर हो, हाँ, और उसका समर्थन देश का सरकार कर रही हो, तो यही कारण है कि वो नहीं बन पाए। पूरी बिहार की जनता मानती है कि तेजस्वी यादव ही। लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो सिस्टम आपके हिसाब से ठीक हो जाएगा? अगर ये दोनों सीटें राजद जीत जाती है तो आप मानेंगे कि चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ, और जब तक नहीं जीतेंगे तब तक ये बात रहेगी कि चुनाव में घोटाले हो रहे हैं, क्या यही पैमाना है? नहीं, आप देखिए कि चुनाव के दौरान भी दिलीप कुमार झा को हमारे कंप्लेंट पे इलेक्शन कमीशन ने हटाया, क्या वो झूठ था? क्या राजद का हस्तक्षेप झूठ था? सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।